नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। देश की राजनीति में इस वक्त काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। जाहिर है कि देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में ये सब होना तो पहले से ही तय है, परंतु इन सब के बीच पंजाब काफी हाईलाइट हो रखा है। पंजाब की सियासत लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसके पीछे की वजह है एकला चलो की नीति। दरअसल पंजाब में 13 सीटों पर सातवें चरण में मतदान होने हैं और ऐसे में वहां पर राजनीतिक दलों में लगातार खींचातानी मची हुई है और किसी भी दल का आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा। इसीलिए सबने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हर एक ही अलग राह, पंजाब में हाई पारा। कांग्रेस ऑफ मिटकर, दोस्तों में जंग डटकर। बीजेपी अकालियों में भिड़ा, पंजाबियों पर किसकी पकड़। पंजाब में टेंशन हाई, एक दूसरे के खिलाफ बिसात बिछाए। सातवें चरण में मतदान, 13 सीटों का क्या होगा अंजाम। पंजाब की बात, एकला चलो की नीति से सियासत। नेताओं ने बदला पाला, चुनाव पर कितना असर डाला। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम दावों प्रतिदावों के बीच पंजाब की सारी सियासत अब 13 लोकसभा सीटों पर केंद्रित हो गई है। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए कई दांव पेच भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में कई सारी नई रणनीति भी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को लेकर बना ली है। और इसी बीच जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये बात है कि पंजाब में सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो हम सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि किस तरह का सियासी खेल पंजाब में चल रहा है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर सातवें चरण में मतदान होना है। यहां चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी तक सियासत में उबाल आने लगा है। नेता लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। राजनीतिक दलों में भी खींचतान मची हुई है। किसी भी दल में आपसी तालमेल ना होने के कारण पंजाब में सभी दल एकला चलो की राह पर अपने ही दम पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल समेत सभी दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दलों के अकेले चुनाव लड़ने से इस चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब में अभी तक आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। आपने भी 13 में से 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सूबे में इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब की सत्ता में रहते हुए चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी गठबंधन तोड़ पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल एवं बसपा में भी गठबंधन टूट गया है। खास बात यह है कि चंडीगढ़ और हरियाणा में जप्पियां डाल रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे के आमने सामने है, वो भी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में। ऐसे में इस बार लोकसभा में पंजाब की सरदारी के लिए जंग रोचक होगी। जनता की नजर पंजाब के चुनावों पर टिकी हुई है। इस दिलचस्प चुनाव का परिणाम क्या होगा, कैसा होगा, इसको लेकर जनता काफी उत्सुक है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये
देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। दरअसल बात ऐसी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अन्य प्रदेशों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन है, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टियां आमने सामने डटी है। यही हाल अन्य दलों का है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यहाँ पिछला चुनाव बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर लड़ा, लेकिन इस बार तालमेल नहीं बैठ पाया। बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद ये फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोन कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहबान की वख-वख राय, उन्होंने सारे नू लेके उसके बाद पंजाब दे भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़िया वर्ग सारियां दी बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया है। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसे तो लिया नहीं। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने 1996 में गठबंधन बनाया था। 2019 में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में दो दो लोकसभा सीट जीत चुकी थी। अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से संबंध तोड़ लिए थे। कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग कीती, साडी लीडरशिप नाल गल कीती, ते अज श्रोमणी अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला कीता कि जेड़ी सरकार, सेंटर दी सरकार, जेड़ी एनडीए दी सरकार, जिसने आ जिहड़े तिन्ने ऑर्डिनेंस लियांदे है जिहड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने ते देश दे किसानां दे विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए दा हिस्सा नहीं हो सकदे। अकाली दल पिछली बार की 3 सीटों की तुलना में बीजेपी को 5 सीटें देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी 6 सीटों से कम पर तैयार नहीं थी, तो ऐसे में गठबंधन नहीं हो पाया। गठबंधन नहीं होने पर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए संख्या बल से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 103 साल पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की जिम्मेदारी पंजाब और कौम की सुरक्षा, शांति एवं भाईचारे बनाए रखने की। कभी पंजाब पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस के सामने राज्य में अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस के नेता और सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कामकाज के जरिए लोकसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पंजाब में उस पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्रचार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी भी जोरों शोरों पर है, पर किसान आंदोलन के चलते और अकाली दल के अलग चुनाव लड़ने से उसे बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि इस बार चुनाव में किस पार्टी से कौन उम्मीदवार पंजाब के चुनावी मैदान में है। जाहिर है इस बार पंजाब के चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। यहां बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ है और इस तरह इस बार पंजाब की सियासत काफी गरमाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में चुनाव आचार संहिता के दौरान जब्तियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश में प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। चुनाव प्रचार में आयोग अवैध ढंग से शराब सप्लाई को लेकर भी काफी सख्ती बरत रहा है। पंजाब में मतदान जून में होंगे, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है।
चार लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कांग्रेस के पंजाब में उम्मीदवार गुरदासपुर से सुखजिंदर रंधावा, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजावाडे, खडूर साहिब से कुलबीर जीरा और आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को टिकट दिया गया है। खैर, कांग्रेस को लेकर राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में कांग्रेस के लिए पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना मुश्किल होगा। इसकी वजह राज्य के बड़े बड़े नेताओं की पार्टी में कमी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में मजबूत होकर उभरे, इसके लिए सीएम भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। तीसरी सूची में आप ने चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके साथ ही पंजाब की सभी 13 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पंजाब में आपके उम्मीदवार, आपने गुरदासपुर से अमन शेर सिंह को दिया टिकट, तो वहीं जालंधर लोकसभा सीट से पवन कुमार टीनू, लुधियाना लोकसभा सीट से अशोक पराशर पप्पी और फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बराड़ को टिकट दिया है। जालंधर से उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यहां से पवन कुमार टीनू को उम्मीदवार बनाया। पवन कुमार टीनू 2 दिन पहले ही अकाली दल से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट में 8 मंत्रियों को टिकट दे चुकी है। अमृतसर से मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का मुकाबला बीजेपी के तरनजीत सिंह संधू से होगा, तो वहीं जालंधर में पवन कुमार टीनू का मुकाबला बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू से होगा। इसके अलावा पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर को देंगे टक्कर। लुधियाना में अशोक पराशर पप्पी का मुकाबला बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू से होगा। गुरदासपुर अमन शेर सिंह का मुकाबला बीजेपी के दिनेश बब्बू और बतिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया बीजेपी से पूर्व IFS अफसर परमपाल कौर सिद्धू को टक्कर देंगे। होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल की टक्कर बीजेपी की अनीता सोम प्रकाश और खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर की टक्कर बीजेपी के मनजीत सिंह मन्ना से होगी। खैर, पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवारों को लगातार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव प्रचार में आयोग अवैध ढंग से शराब सप्लाई को लेकर भी सख्ती बरत रहा है। आयोग के आदेश पर तमाम एनफोर्समेंट विंग ने अब तक कुल 22.8 लाख लीटर शराब जब्त की है, जो गैर कानूनी तरीके से सप्लाई की जा रही थी। आचार संहिता के दौरान प्रदेश भर में अब तक 321.51 करोड़ रुपए की ड्रग्स, नकदी और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया। निर्वाचन अधिकारी सिबीन सिंह ने बताया कि अब तक कुल 321.51 करोड़ रुपयों की बरामदगी की गई है, जिसमें 6.89 करोड़ रुपयों की नकदी, 14.93 करोड़ रुपए कीमत की 22.8 लाख लीटर शराब, 287.23 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, 11.37 करोड़ रुपए की कीमती वस्तुएं और 1.09 करोड़ रुपए का अन्य सामान जब्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 24 एनफोर्समेंट एजेंसियां सक्रियता से काम कर रही। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब राज्य में भी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और नई नई सियासी रणनीतियों की वजह पंजाब की सभी लोकसभा सीटें काफी चर्चा में हैं। आमतौर पर चुनाव में पूरे देश के रुझान से अलग प्रदर्शन करने वाले इस राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 13 में से 8 सीटें जीती थी और उस समय पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर से बिल्कुल विपरीत परिणाम थे। तो अब हम आपको पंजाब में होने वाले पिछले चुनाव के बारे में बताते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये चुनाव इस बार के चुनाव से किस तरीके से अलग है। साल 2019 का चुनाव तो सबको याद ही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने कुल 13 में से 8 सीटें जीती। उस समय पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर से ये बिल्कुल विपरीत परिणाम थे। बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर देश भर में ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया। वहीं 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की पंजाब में आंधी चली और कुल 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर आपने सरकार बनाई। पंजाब में 2019 के चुनाव परिणामों पर नजर डाली जाए तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने 25 साल से चले आ रहे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। शिरोमणि अकाली दल ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 और बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती थी। इस गठबंधन को प्रदेश की जनता ने बरगाड़ी व बहबल कला बेअदबी व गोलीकांड ने तगड़ा झटका दिया। दूसरी तरफ आप, जो कि 2017 के विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल बनकर आत्मविश्वास से लबरेज थी,
2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में केवल एक संगरूर सीट ही मिली, जिस पर मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान विजयी हुए थे। बीते लोकसभा चुनाव के बाद अब तक राज्य में दो सीटें खाली हुई, जिनमें संगरूर सीट 23 जून 2022 को भगवंत मान के इस्तीफा देने से खाली हुई, जबकि जलंधर सीट 10 मई 2023 को कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी की मृत्यु के कारण खाली हुई। इन सीटों पर उपचुनाव में आपसी अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान संगरूर सीट छीन ली, जबकि जलंधर सीट पर आपके सुशील कुमार रिंकू विजयी रहे। साल 2019 में पंजाब में सबसे बड़ी जीत शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने फिरोजपुर सीट पर दर्ज की। यहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया को 1,98,850 वोटों के अंतर से हराया। दूसरी बड़ी जीत पटियाला सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी परनीत कौर ने हासिल की, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह रखड़ा को 1,62,718 वोटों के अंतर से हराया। इन चुनावों में बठिंडा सीट से शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने जीत की हैट्रिक बनाई, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग को 21,772 वोटों के अंतर से हराया। गुरदासपुर सीट पर बीजेपी ने फिल्म अभिनेता सनी देओल को उतारा था। साल 2019 में सनी देओल के सियासी कैरियर की शुरुआत हुई थी और उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़, जो कि अब पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं, उनको 82,459 वोटों से शिकस्त दी। पंजाब में हर चुनाव में मतदाता का मिजाज बदलता है। यहाँ सूबे की सत्ताधारी पार्टी को लोकसभा चुनाव का फायदा मिलता रहा है। 2019 में लोकसभा की 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर पंजाब में नरेंद्र मोदी की लहर को रोक दिया था। 2014 के लोकसभा चुनावों में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार थी और आपको लोकसभा में 4 सीटें मिली थी। ये काफी चौंकाने वाला नतीजा था। पंजाब को सियासी नजर से देखा जाए तो हमेशा ही यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिल जाती है। पंजाब की सभी 13 सीटें सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी चुनाव में पंजाब का हाल ऐसा ही है। अब रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल तो सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं और नई नई रणनीति भी अपना रही हैं। 13 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।